दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं, ये बात तूने बताई कबीर को? नहीं मम्मी, दिल्ली जा रहे ये बात अब तक कबीर को नहीं बताई। तो मैं बता दूं? नहीं नहीं नहीं, आप मत बताना, आपको पापा की कसम, अगर आप पापा से प्यार करते हो तो आप नहीं बताओगे। ठीक है, तो बता के जल्दी आ जाना। हाँ माँ, बाय। और धन्नो किधर थी बे? तू बता बे। कुछ नहीं भाई, ये देख अपनी जगह पे दूसरे बच्चे खेलने लग गए। अरे छोड़ यार, अपना टेंथ हो गया, अपना खेलने का टाइम गया, अभी अपन मैच्योर लोग है और तुझे तो पता ही है ना मैच्योर लोग क्या करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट? अबे नहीं यार, दिन भर साइकिल चलाते हाथ छोड़ के, शाम को पराठे खाते ज्यादा मिर्ची के साथ, और रात को कंबल के नीचे तकिया रख के स्नीक आउट करते। अपन भी स्नीक आउट करेंगे मस्त। भाई मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। क्यों भाई? मम्मी पापा कह रहे थे कि... अरे तू मम्मी पापा का टेंशन मत ले यार, अभी अपन इंडिपेंडेंट हो गए, अपने को सिर्फ उनसे 200 रुपये चाहिए। हाँ वो ठीक है, लेकिन मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ कल दिल्ली जा रहा हूँ कल। हाँ तो वापस आके 200 रुपये ले लेना। कब आ रहे हैं वापस? पता नहीं, मतलब यही कुछ मतलब... पता नहीं मतलब भाई, दिल्ली कितना घूमेगा भाई? 5 दिन? नहीं 5 हफ्ते। तो 5 महीने के लिए दिल्ली जा रहे है? अरे ध्रुव, तेरी मम्मी क्या कह रही है, तुम 5 साल के लिए दिल्ली जा रहे हो? और हाँ, तेरे पापा से प्यार भी नहीं करती। कबीर बात तो सुनना, कबीर कबीर 10 मिनट हो गए यार, दरवाजा खोल दे प्लीज और रोना बंद कर। बॉयज डोंट क्राई, ठीक है? तो तू रो नहीं रहा था। बट मैन डू। एनीवेज मुझे पता ही था ऐसा टाइम आएगा जब तुझे अपने पापा और असली बाप में से एक को चुनना होगा। अपने पापा को फोन लगा और मना कर। नहीं यार, तुझे नहीं पता मैं उनको कितनी बार मना कर चुका हूँ दिल्ली के लिए। तू रोया उनके सामने? नेहा कक्कर से भी ज्यादा। थप्पड़ खाया? तापसी से भी ज्यादा। और इमोशनल ब्लैकमेल? तेरे से भी ज्यादा। भाई मुझे तो लगा अब वो मान जाएंगे, आफ्टर ऑल उनका इकलौता बेटा हूँ मैं, लेकिन मैं गलत था। तेरा एक नाजायज भाई भी? नहीं यार, पापा इमोशनलेस है, कैरेक्टरलेस नहीं यार। सब ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो सकता। फिर तो भाई एक ही ऑप्शन बचा है यार, हमें इसमें तेरे माँ को दर्द तो होगा बट हे नहीं नहीं, मैं उनका मर्डर नहीं कर सकता। मैं पागल हो गया क्या? मैं तेरे यहाँ रहने की बात कर रहा हूँ, और वैसे भी मेरी मम्मी को ना मेरे लिए एक छोटी बहन चाहिए थी। तू बाल बढ़ा ले, एकदम परफेक्ट फिट होगा, चल आ जा। नहीं यार। अरे तू विग पहन लेना ना, चल आ जा। यार मुझे दिल्ली जाना होगा, तू रोक नहीं सकता मुझे। क्यों नहीं रोक सकता भाई? तूने सोचा भी है मेरे बगैर तेरा दिल्ली में क्या होगा? साले मैथ्स क्लास में ना डाउट पूछने से फटती थी तेरी, मैं हाथ उड़ा के पूछता था। माँ बाप कहते थे ना कि 10th के बाद ऐश ही ऐश है, अब जाके तो ऐश आई है, और तू सही है भाई। यार जब तू देहरादून से आया था तो तेरा वो फ्रेंड था ना, अरे वो क्या? सौरभ सुमन। हाँ सौरभ सुमन भाई, तू और सौरभ अभी भी बात करते हो ना, फ्रेंड्स हो ना अभी भी, फिर हम भी तो फ्रेंड्स रहेंगे ना, और भाई भरोसा रख हमारी दोस्ती पे, ठीक है? चल बाहर चल, चल तू जा मैं आता। ठीक चल दिया। तू यहीं रह जाना, तू भी तो मेरे बेटे जैसा ही है। ले मटर जी, बस महीने के 2000 दे दियो। क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, 1900 दे देना। आंटी मैं कबीर को बहुत मिस करूंगा,
आप उसे मेरे साथ दिल्ली क्यों नहीं भेज देते? वहाँ पे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस भी है और कोचिंग सेंटर्स भी। वो तो यहाँ पे भी हैं, उसके लिए दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत है? कबीर ने तुझे बताया नहीं, इसने तो नीट के लिए अनअकैडमी में एडमिशन भी ले लिया। मैं ऐसे सरप्राइज देने वाला था, इसने मुझे दे दिया। कब डिसाइड किया? परसों भाई, जब तू कॉल पे कॉल करे जा रहा था और मैं कट कर रहा था, तब एक्चुअली मैं अनअकैडमी सेंटर क्लास के लिए गया था, तेरी तरह डाउट्स भी पूछे और लाइब्रेरी में जगह भी बनाई थी अपनी। अब किसके हाथ जोक शेयर करूंगा वहाँ? बेटा पढ़ाई इतनी ज्यादा हो जाएगी ना कि जोक छोड़, बात करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। वैसे आंटी सही डिसीजन लिया इसने, चलता हूँ। चल ठीक है, रात को आते हैं मिलने। जी आंटी। मैं नहीं जा रहा हूँ। पड़ेगा, जा बाय कर। कल से तो कोचिंग सेंटर में लग जाएगा और मैं दिल्ली में सेटल होने में बिजी हो जाऊंगा। तो जाने से पहले दोस्त ने पैसे वापस दे दिए कि मैं मेरी तो रहनी चाहिए ना। रुक, ऐसी मेमोरी नहीं चाहिए तेरे साथ। चल कहाँ? अरे चल ना, एक अच्छी मेमोरी बनाते। ओ छोड़े, बैठ दे। भैया आराम से मानना, वो बुड्ढा गाली देकर गया है। क्या बोला भाई उसने? कह रहा था बॉल वापस नहीं दूंगा, मेरे मुंह से भी निकल गया, सॉरी। कोई नहीं, एक बॉल खेल के चले जाएंगे। ए, बोल दे। कबीर अभी आ रहा हूं मैं, रुको। चलते हैं बेटा। हाँ। जाना पड़ेगा। साले तू पापा की सभी मान, बाप हमेशा मैं ही रहूंगा, समझा? Obviously यार। Mere aankhon se aansu na bahe।
पे धन्नो, किधर है बे तू? अरे भाई यहाँ पे भाई मेरी वाट लग गई है। Hey guys, we hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने लॉन्ग डिस्टेंस बेस्ट फ्रेंड्स के साथ और उन्हें बताइए कि आप उन्हें कितना मिस करते हैं। Exactly. And guys, अगर आप भी ITJEE या NEET UG की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने नियरेस्ट अनअकैडमी सेंटर पे जाइए और खुद को इनरोल करिए और सीखिए अपने शहर के बेस्ट एडुकेटर से। लेकिन वहाँ पे तो रेगुलर टेस्ट और प्रैक्टिस सेशन होते हैं ना, तो मेरे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे भाई? अनअकैडमी पे तू 24/7 जो है ऑनलाइन डाउट्स पूछ सकता है, और फिर भी अगर तेरे कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो तू सेंटर पे डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस को अटेंड कर सकता है। और अनअकैडमी सेंटर्स का जो एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। यार लेकिन मेरी कोई क्लास मिस हो गई तो? भाई अगर तेरी ऑफलाइन क्लास मिस होती है ना तो वहां के रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होते हैं। Wow, that's so cool. And guys, if you want to consume more content like this, please subscribe to The Viral Fever.